हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन के बारे में। योनो एसबीआई एप्लीकेशन में अपना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसबीआई में अपना एक ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और एसबीआई में अपना नेट बैंकिंग का फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो प्ले स्टोर से आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके और ओपन कर लेना है। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, कुछ ऐसे इंटरफेस के साथ ही ऐप ओपन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम कुछ टाइम तक उसके बाद यहाँ पर आपकी लोकेशन की परमिशन मांगी जाती है, अलाउ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है न्यू टू एसबीआई, सेकंड है एग्जिस्टिंग कस्टमर, और थर्ड है आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो अभी आप एक एसबीआई के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, योनो एसबीआई एप्लीकेशन में आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से फिर से आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लॉग इन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, सेकंड है रजिस्टर विथ माई एटीएम कार्ड, और थर्ड है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स का। तो यहां पर अगर आपके पास नेट बैंकिंग अगर आपने बनाया हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपके पास इसका डेबिट कार्ड हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको अपने अकाउंट डिटेल्स याद हो तो यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने एसबीआई में न्यू अकाउंट ओपन किया हुआ तो आपके पास अभी एटीएम कार्ड नहीं होगा, या आपने नेट बैंकिंग का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, इसी वजह से यहां पर मैं थर्ड ऑप्शन रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। यहां पर एक न्यू प्रोसेस आया हुआ है योनो एसबीआई एप्लीकेशन में, उसी के साथ मैं बताऊंगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन के बारे में बताया जाता है कि यूजर आईडी और यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसके बाद से ब्रांच विजिट करने के लिए बताया जा रहा है, और एक्टिवेट एक्सप्लोर योनो के बारे में बताया जाता है। उसके बाद से नीचे की साइड आपको कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। सेकंड में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का आ जा रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैलेंडर आइकन भी मिल जाता है, और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी। यहाँ पर चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर चले मैं अकाउंट नंबर को एंटर करके आगे की प्रोसेस को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों को एंटर कर दिए, चले मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद से लोडिंग होता है, और जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा बैंक अकाउंट के साथ, जो भी आपका लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, ओटीपी को फिल कर देंगे। यहाँ पर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी शो होता है, तो चले मैं ओटीपी को एंटर कर देता हूं। यहाँ पर मैंने अपने ओटीपी को फिल कर दिया, अगर आपका ओटीपी नहीं आता है तो रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी को मंगा सकते हैं। अभी चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद से यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो हो जाता है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम शो हो जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर अगर आपका अकाउंट होल्डर का नेम नहीं आता है तो नोट यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका सेफ नंबर का लास्ट 4 डिजिट शो होता है, या पासबुक से मिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सेलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट पर। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन में सबसे पहला है व्यू का, जिसमें आप बताया जाता है कि आप सिर्फ अपने अकाउंट को देख सकते हैं, उसे अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप एक बार चाहे तो रीड भी कर सकते हैं। लिमिटेड में यहाँ पर कुछ लिमिटेड रहेंगी, और फुल में यहाँ पर आप सभी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको फुल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी अगर आप व्यू पर क्लिक करते हैं तो यह हमेशा के लिए हो जाता है, इसी वजह से। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का एक बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग डिटेल बताया जाता है, तो यहाँ पर आपको टेम्प्रोरी एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होता है, उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिर से एंटर करना होता है। और यहाँ पर पासवर्ड में बताया जाता है कि जो भी आपका योनो का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम होगा वो मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर के साथ और एक नंबर होना चाहिए, यहाँ पर सारा कुछ बताया जा रहा है। पासवर्ड में उसी तरह है कि 8 मिनिमम डिजिट का होना चाहिए, यानी कि 8 मिनिमम कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 से 20 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, जिसमें लेटर डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर कंबाइन होने चाहिए। लेटर में 0 से 9 तक न्यूमेरिकल नंबर, और अल्फाबेट में आप A to Z कैपिटल, A to Z स्मॉल यूज कर सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर आते हैं @ #, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं यूजर नेम पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे यूजर नेम शो होता है।
उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने टेम्प्रोरी यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर दो बार एंटर कर दिया। उसके बाद से नीचे की साइड में आपको कंफर्म का एक ऑप्शन शो होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करते हैं उसके बाद से कुछ ऐसा इंटरफेस के साथ ही एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर शो हो जाता है, ऊपर की साइड में यहाँ पर सक्सेसफुल बता दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका ब्रांच शो हो जाता है, जिस ब्रांच में अपने अकाउंट को ओपन किया हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर बताया जाता है कि आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको अपने ब्रांच में जाना है। वहाँ पर आपको ब्रांच में एक ऑथेंटिकेट कोड मिलेगा, उसको यहाँ पर एंटर करके यानी कि यूनो एसबीआई ऐप में एंटर करके तभी आप लॉगिन हो पाएंगे। चलिए मैं आपको यूनो एसबीआई एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर से यूनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको थर्ड में ऑप्शन में मिलेगा आई हैव ऑथेंटिकेशन कोड का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ वहाँ पर अपने जो भी टेम्प्रोरी अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाया हुआ था उसको फिल कर देना है। रेफरल कोड ये ऑप्शनल होता है, इसको आप एंटर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसको से यहाँ पर एक्टिवेशन कोड का एक ऑप्शन शो होता है, तो यही आपको ब्रांच से मिलेगा, इसको आप एंटर करके और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसको से आपको एम पिन सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद से आपको यूनो एसबीआई एप्लीकेशन में सक्सेसफुली तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जरूर से ब्रांच में जाना है। और अगर आपके पास इनके मैनेजर का नंबर है, इनकी जो भी आपका ब्रांच है उसके मैनेजर का अगर आपके पास नंबर है तो उनसे कॉल पर बात करके और उनसे भी आप चाहे तो ऑथेंटिकेशन कोड मांग सकते हैं और वहां पर चाहे तो इंटर करके और इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहां पर मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया है, लास्ट प्रोसेस एक है ऑथेंटिकेशन कोड का, तो इसको आप ब्रांच में जाकर के मांग सकते और हैं। और अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो इस एप्लीकेशन को जरूर से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि योनो कैश का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैन एंड क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और भी इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आपको इस एप्लीकेशन को जरूर से यूज करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट से जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बैंकिंग से जुड़े वीडियोज लेके अपने चैनल पर आते रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।